तो हेलो एंड वेलकम, आप लोगों का स्वागत है मल्टीप्लायर हंटर के एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम BCL इंडस्ट्री। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि BCL इंडस्ट्री एक स्टॉक है जो कि एडिबल ऑयल और डिस्टिलरी बिजनेस के अंदर डील करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि एडिबल ऑयल की जितनी कंपनियाँ होती है वो हाईली साइक्लिक हो सकती है कुछ टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी फ़िलहाल जो साइकिल है वो नीचे की साइड है। एडिबल ऑयल की जितनी कंपनियाँ हैं वो सभी की सभी नीचे की साइड डाउन ट्रेंड में, या तो टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन हो रहा है स्टॉक्स के अंदर। जैसे ही बात करें हम इस स्टॉक की, तो स्टॉक था हमारा 500 रुपीज़ पे, अभी स्टॉक हमें मिल रहा है 325 रुपीज़ पे। तो 530 का ऑल टाइम हाई था, वहाँ से 316 स्टॉक का प्राइस अभी आ चुका है। BCL इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, कुछ इंडस्ट्री इस सेक्टर के अंदर अच्छी है, कुछ इंडस्ट्री जो है नॉर्मल अभी डील कर रही है, और कुछ इंडस्ट्री BCL इंडस्ट्री की जैसे जो कि अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन अपने कंपनी के अंदर ला सके। अभी अगर मैं बात करूँ इनके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स ऑसम अमेजिंग नंबर्स है। 25% 31% 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हमें दिखाई देती है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 27% इंक्रीज़ हुआ है एंड 5 ईयर में 55% का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनके लिए बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल, पिछले 5 साल, पिछले 3 साल के अंदर बना के दिया है। 30% का कंपाउंडेड सेल्स स्टॉक का ग्रोथ यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिला है। अगर बात करें हम ROE ROC कंपनी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है 23% एंड 25%। बुक वैल्यू 152 रुपीज़ है, जो कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 316 पे। अब यहाँ ये देखने की बात होगी, कंपनी के पास कर्जा है, बिल्कुल है, डेप्ट है 260 करोड़ का, लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर रिजर्व्स कंपेयर करेंगे 342 करोड़ के रिजर्व्स और सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस 1906 करोड़ के। यहाँ पे अगर बात करूँ तो बुक वैल्यू यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है 2 की, और अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ पिछले 3 सालों में, जैसे कि हमने बताया 30% यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या मेन चीज़ें हैं। अगर आप बिज़नेस को सही से स्टडी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम टाइम बिज़नेस की वेबसाइटों पर सारी चीज़ें मिल जाती है। अभी यहाँ पर अगर मैं बिज़नेस की इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऑयल सीड कल जो बिज़नेस के अंदर है, एडिबल ऑयल के अंदर है, फिजिकल रिफाइनरी है, उसके बाद जो इनकी राइस और बाकी सब सेक्टर्स है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँ कि यहाँ पे क्या क्या कंपनी डील करती है, सबसे जो फेमस प्रोडक्ट है कंपनी का होम कुक नाम से जो ब्रांड है, इसमें एडिबल ऑयल की सेल्स करती है कंपनी। एडिबल ऑयल में आता है सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। अब यहाँ पे ये चीज़ें सारी कॉमोडिटी है जो कि हाईली रेगुलेटेड रहती है, या तो इन्फ्लुएंस होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, और बाकी जो रॉ मटेरियल्स प्राइजेस हाई क्या लो पे यहाँ पे हाईली रेगुलेटेड रहती है या डिपेंड करती है मैक्सिमम टाइम। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है जैसे कि हमने आपको बताया, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे एडिबल ऑयल और वनस्पति से 66% का रेवेन्यू कंपनी का आता है, और सबसे बड़ा पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी जो होल्डिंग्स यहाँ पे कंपनी में एडिबल ऑयल रखता है। अब एडिबल ऑयल के बाद आते हैं तो यहाँ पे कंपनी के कुछ और डिवीज़न हैं। ऐसी कंपनियाँ ज़्यादा बेहतर लगती है जिनमें एडिबल ऑयल मेन बिजनेस है, लेकिन वो एक्सपेंड कर रहे हैं बाकी और बिजनेसेस में ताकि उनका मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो सके, तो ये ऐसी कंपनियाँ अच्छी होती हैं। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें एडिबल ऑयल के सेक्टर के अंदर हैं, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 1 से 2 या 3% रहता है, लेकिन ऐसी कंपनियाँ जो कि बाकी और प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है एडिबल ऑयल के अलावा, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं उनके लाइनअप में जो कि उनके मार्जिन इंक्रीज करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। और ये कंपनी एक वैसी ही कंपनी है जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी अपने एडिबल ऑयल से आगे भी बढ़ के बेचती है, यानी डिस्टिलरी का बिजनेस है और रियल इस्टेट का 2% का है ताकि नेग्लिजिबल है, उसे आप माने बिना। उसके अंदर अगर मैं बात करूँ होम कुक ही के ब्रांड से यहाँ पे कंपनी बासमती राइस भी सेल करती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्वालिटी, मैक्सिमम पैकेज के अंदर यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। सेकंड की बात करें तो राइस जो कि होम कुक के ही ब्रांड से कंपनी सेल करती है, जो कि टीन के अंदर होता है, और रिफाइंड ऑयल जिसमें आपको सारी तरीके के रिफाइंड ऑयल्स मिल सकते हैं, वनस्पति घी जो कि कंपनी सेल करती है 2 ब्रांड्स के अंदर, जैसे होम कुक या टू खोजारा हो गया, यहाँ पे 2 ब्रांड्स हैं जिसमें वनस्पति घी यहाँ पे कंपनी सेल करती है पाउचेस के अंदर, बॉक्स के अंदर, टीन के अंदर, जिसकी अलग अलग क्वांटिटी
होती है। अगर मैं बात करूँ लिकर के अंदर, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कंपनी और इस कंपनी के बिजनेस के अंदर। लिकर यानी अल्कोहल के अंदर भी कंपनी डील करती है, जिसमें से जो मैक्सिमम जो लिकर से इनके प्रोडक्ट्स हैं वो पंजाब साइड ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वहीं पे वहाँ से ही मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का आता है, जिसमें विस्की हो गया और लोकल ब्रांड्स हो गए, जिसमें रम हो गया, और बाकी जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटेड जो विस्कीज होते हैं, जो बॉटल्स होते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर सेल करने की यहाँ पे कंपनी के पास परमिशन है और कंपनी वहीं पे सेल करती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से बाकी और बिजनेसेस कंपनी के, तो एक बिजनेसेस और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि देखना होगा, डिस्टिलरी का, जिसमें अल्कोहल तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे एक और इंडस्ट्री है जो कि ज़्यादा बड़ी है अल्कोहल से। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिफाइनिंग बिजनेस आता है इनका। उसके बाद अगर मैं जाऊँ इसमें तो आपको यहाँ पे एक और जो बिजनेस मिल जाएगा डिस्टिलरी, इथेनॉल एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब यहाँ पे ये चीज़ मैक्सिमम टाइम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कंपनी ने जो कैपेक्स किया है 2021 के अंदर, वहाँ पे कंपनी ने इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर हाईली कॉन्सेंट्रेट किया है, जिसमें वहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अभी 200 किलो लीटर पर डे की कैपेसिटी है, और 83 करोड़ का कैपेक्स हुआ है, जिसमें से 63 करोड़ जो कि है ऑयल एंड म्यूनिसिपलिटी सेगमेंट के अंदर गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। बाकी 18% गया डिस्टिलरी यूनिट यानी अल्कोहल में, जो कि यूज़ हो सकता है इथेनॉल की तरफ से और बाकी और कहीं से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 325 किलोलीटर पर डे अपडेटेड कैपेसिटी है डिस्टिलरी और अल्कोहल के अंदर। और अगर आप यहाँ पे चार्ट देखना चाहेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होता है जो अल्कोहल है, वहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस ही यही है इनका, जो मैं देखना पसंद करूँगा आने वाले 2 से 3 सालों में, क्योंकि नए जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, हैंड सैनिटाइजर, हैंड रब, ये 2021 फाइनेंशियल ईयर में किए गए थे, जो कि प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे अगर बात करूँ सब्सिडरीज भी है कंपनी ने जो एक्वायर की है कैपेक्स में, और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक स्टॉक बन जाता है जो कि फ्यूचर एनर्जी में भी डील करने वाला स्टॉक है, एज वेल एज फूड एंड एडिबल सेक्टर के अंदर भी डील करता है कंपनी। तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जो ये कंपनी है बीसीएल इंडस्ट्री, एक अच्छे ग्रुप से आती है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं बात करूँ तो 8 के PE पे ट्रेड कर रहा है, और इसके जैसे और भी सेक्टर्स में जितने भी स्टॉक है वो 8-9 के अराउंड ही ट्रेड करते रहते हैं, एक्सपेक्ट अडानी विल्मर और पतंजलि फूड्स के अलावा। बाकी सभी सेक्टर ऐसे ही यहाँ पे इतने ही बग पीक पे ऑपरेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या और अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ प्रमोटर्स जो हैं अपना स्टेक कंटिन्यू होल्ड करके रखे हुए हैं, और जो टॉप प्रमोटर्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स हैं जिनकी, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे ऑलमोस्ट बढ़ाई भी है, जैसे 13% से 16% और 14% से 17% होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज की गई है मित्तल फैमिली के दौरान। अभी यहाँ पे बात करूँ तो पब्लिक के पास 38% की होल्डिंग्स है, और जिससे ये स्टॉक थोड़ा मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हाई ही आपको मिलता है। अभी बात करते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर ये स्टॉक तो अच्छा है, चलिए आप फंडामेंटल आपने देख लिया, अच्छा लगी आपको कंपनी, लेकिन अभी ये स्टॉक आपको बाय कहाँ करना है, क्योंकि अपसाइड से यहाँ पे डायरेक्ट करेक्शन हो रही है। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर आपको करेक्शन का बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट 525 से यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट है, और आज ही करेक्शन को लेके हम बात कर सकते हैं 40% के ऑलमोस्ट यहाँ पे करेक्शन मौजूद है। अभी यहाँ मेरे को विश्वास है कि यहाँ पे 50% तक का करेक्शन आता हुआ नज़र आ सकता है, और 300 के आसपास आपके पास एक अच्छा लेवल है जहाँ पे आप इसे बाई करके चल सकते हैं। यहाँ से आप अगर बाई करना चाहें तो इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट रनअप तो अच्छा दिया गया है, लेकिन अगर 300 के आसपास यहाँ पे स्टॉक नहीं रुकता है, बिकॉज अभी एडिबल ऑयल के सेक्टर्स में उतनी अच्छी प्राइजिंग नहीं है पाम की और बाकी रॉ मटेरियल्स की, जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन हिट हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, तो इसकी वजह से यहाँ पे 300 का एक लेवल आ सकता है स्टॉक के अंदर। और अगर वहाँ पे मार्जिन हिट हुए और वापस अर्निंग्स एक्सपेक्टेड नहीं आई, तो यहाँ पे वापस से नीचे की साइड 260 और 230 240 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए नज़र आ सकते हैं आपको। तो इसकी की बिल्कुल भी प्रिपेयर रहिए आपको, अगर प्रिपेयर रहना है अगर यहाँ पे आप बाय करते हो इस स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे एक डाउन साइड यहाँ पे ज़रूर दिखाई देता है स्टॉक्स के अंदर। तो
तो हाँ, यहाँ पे कंपनी अपने मार्जिन्स इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में अंदर जा रही है, जिसमें से बहुत से अच्छे सेक्टर्स हैं जो कि एडिबल ऑयल के अलावा डिस्टिलरी का सेक्टर है, जो कि एथेनॉल प्रोड्यूस करने का सेक्टर है। इथेनॉल के अंदर कंपनी प्लांट भी बना रही है जो कि तैयार हो सकता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक, और वहाँ पर आपको एक अच्छी KLPD यहाँ पर मिल जाएगी, किलो लीटर पर डे का एक अच्छा नंबर मिल जाएगा, जिसको कि कंपनी अभी 7th इथेनॉल प्रोड्यूसिंग में 7th नंबर पे आती है। यहाँ से कंपनी यहाँ से फर्स्ट नंबर पे जाने की जो विज़न यहाँ पे रखता है डायरेक्टर और कंपनी, तो इस चीज़ का देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये कंपनी यहाँ से 7th नंबर से 3rd 4th नंबर पे भी आती है, तो एक बहुत बड़ी मैसिव जंप होगी स्टॉक के अंदर, और स्टॉक भी उसी तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे लिए ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक बन जाता है, लेकिन करेक्शन के अंदर आपको ज़रूर ये स्टॉक उठाना चाहिए। जैसे कि हमने आपको चार्ट में बताया कि करेक्शन आ सकती है 300 या 260 के आसपास, तो यहाँ पे आपको स्टॉक लेना होगा। तो आज की वीडियो यही थी, स्टॉक अच्छा था जिसकी वजह से हमने आपके साथ डिस्कस किया, और मार्केट करेक्ट हो रहा है जिसमें बहुत सारे स्टॉक है ऊपर की साइड हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नीचे की साइड भी आपको मिल रहे हैं, तो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं अपने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।